गोलियां चलाने लगा। इस्लामाबाद की सड़कों के मनाजिर को सारी दुनिया ने देखा। सहाफी सरकारी अहलकारों ने सरकारी मुलाजमीन पर गोलियां चलाई, उन पर तशद्दुद किया। बेटा हर काम में साथ देता रहा। मुलाजमीन भी सरकारी अहलकारों को यरगमाल बनाने और उन्हें जदोकोप करने में पेश पेश रहे, लेकिन बिलाखिर सहाफी मोहसिन बेग पकड़ा गया, मगर उसका बेटा फरार हो गया है। पुलिस ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये किसी फिल्म के मनाजिर नहीं, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट का इलाका है। एक सहाफी मोहसिन बेग जो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। एफआईए के मुताबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर साइबर क्राइम विंग की टीम मोहसिन बेग के घर पहुंची तो मुलजिम मोहसिन बेग, उसके बेटे और मुलाजमीन ने एफआईए टीम पर बराह रास्त गोलियां चला दी। मोहसिन बेग ने एफआईए के दो अफसरान को यरगमाल बनाया। मोहसिन बेग और उसके बेटे ने मुलाजमीन के साथ मिलकर एफआईए अफसरान को जदोकोप किया, पिस्तौल के दस्ते से तशद्दुद किया। गोलियां खत्म होने पर मुलजिम मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके थाना मारगला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मुलजिम का बेटा फरार हो गया। मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी, इकदाम कत्ल, हबसे बेजा समेत दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईए का कहना है कि मुलजिम मोहसिन बेग ने सरकारी मुलाजमीन पर फायरिंग करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।